चाहे मैं फिजिक खेल रहा हूँ, वो फिटनेस वाला होगा, ओपन बॉडी बिल्डिंग, सबका सेम वर्कआउट। करेक्ट। अगर सबका सेम वर्कआउट, एक्सरसाइजेस अलग नहीं होती, बेसिक विल रिमेन द सेम। 90% लोगों को पुश पुल लेग वर्कआउट ही काफी है। अब गर्मी के मौसम में ब्रो स्प्लिट एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही एक दिन में स्टिमुलेट करें ताकि ओवर एग्जॉशन ना हो जाए। एज के साथ भी लेना देना है, 40 के बाद रेस्ट ज्यादा चाहिए होता है। ये भी वही वर्कआउट कर रहा है। आप भी वही कर रहे हो? मैं भी वही कर रहा हूं। बॉडी बिल्डर भी वही कर रहा है। बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, मेंस फिजिक के लिए कर रहे हो, ओपन बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, एक्सरसाइजेस बदल नहीं जाएंगी। आपकी मसल उस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए अगर बनी है तो वही मूवमेंट पे वो ग्रो करेंगी। वर्कआउट की इंटेंसिटी और आपकी डाइट में कार्ब, प्रोटीन, फैट और रेस्ट कितना है, इस चीज से आपकी मसल शेप लेती है। अभी जो तू वर्कआउट कर रहा है वो वी शेप बॉडी के लिए है। देखा होगा उसमें डेल्ट भी हो रहे हैं, डेल्ट भी हो रहे हैं, कोर हो रही है, लेग्स भी हो रहे हैं, तो वो वी शेप बॉडी के लिए वर्कआउट कर रहा है। और रीशेप किया जाता है कि आपके शोल्डर्स बड़े करने हैं, चेस्ट बड़े करने हैं, अपर चेस्ट बड़ा करना है, लैटरल डेल्ट्स बड़े करने हैं। तो वर्कआउट हफ्ते में कितनी बार आप उस मसल को हिट कर रहे हैं, प्लानिंग ऑफ एक्सरसाइज उस हिसाब से चेंज होती है। चार बार बोल रहे हैं, एजुकेटेड लोगों के पास जाए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ।